हाय दोस्त, विजडम जस्ट में आपका स्वागत है। मेरा नाम सैयद गोरी मोहम्मद और मैं हिस्ट्री फैकल्टी हूँ। आज इंडियन आर्किटेक्चर के बारे में मैं चर्चा करने वाला हूँ। वेसरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर इज आल्सो नोन एज वेसरा स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर को इस रूप में भी कहते हैं, मतलब इस रूप में भी जाना जाता है, राइट? एक हो गया मदुरई स्कूल, दूसरा हो गया वड़िया स्कूल, और तीसरा हो गया खजुरहो स्कूल, और चौथा हो गया कर्नाटिक स्कूल, राइट? यहाँ पर सही जवाब है कर्नाटिक। क्यों? वेसरा स्टाइल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ नॉर्थ इंडियन आर्किटेक्चर एंड साउथ इंडियन आर्किटेक्चर। उत्तर भारत की वास्तुशैली और दक्षिण भारत की वास्तुशैली का जो सम्मेलन करते हुए, मिश्रण करते हुए एक नया वास्तुशैली निकला, उसको कहते हैं, ये दक्षिण पार्ट में निकला, जैसा कर्नाटका में शुरू हुआ। कहां पर शुरू हुआ? कर्नाटका में शुरू हुआ। इसको कहते हैं वेसरा स्टाइल, यानी दक्कन स्टाइल, यानी कर्नाटक स्टाइल। कर्नाटक में शुरू हुआ है, इसलिए इसको कर्नाटक स्टाइल भी, कर्नाटक वास्तुशैली भी कहा जाता है, राइट? बादामी के, आज के बादामी यानी वातापी, आईहोल और पट्टडकल, ये जो कर्नाटका के जो कल्चरल जो कैपिटल्स है, ये हर जगह पर वेसरा स्टाइल का प्रयोग किया गया, वेसरा स्टाइल का इस्तेमाल किया गया। इसलिए ये जो वेसरा स्टाइल को कर्नाटका स्टाइल भी कहा जाता है, और इसका महत्वपूर्ण विशेषता आगे बढ़ाते हुए इसको दक्कन पार्ट में फैलाया गया, इसलिए इसको दक्कन स्टाइल भी माना जाता है, राइट? दक्कन स्टाइल के नाम पे और कर्नाटक स्टाइल के नाम पे वेसरा स्टाइल जाना जाता है, राइट? So, इसका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विशेषता है वेसरा स्टाइल। इसको मिश्रम शैली कहते हैं, कंपोजिट स्टाइल। किन दोनों शैली का मिश्रम है ये? उत्तर भारत का नगर शैली का और दक्षिण भारत का द्रविड़ शैली का जो मिश्रम रूप में बनाया गया वेसरा स्टाइल, इसको कर्नाटक स्टाइल माना जाता है। यहां पर ऑप्शन डी सही जवाब हो निकला। धन्यवाद दोस्त। आज की जो चर्चा में आप प्रश्न और उत्तर के रूप में हम जो चर्चा किए, वो चर्चा में भाग लेने का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा जो विजडम जॉब्स का जो कुछ भी वीडियोस है, उसके देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा तक हमारे जो वीडियोस है उसको आप शेयर कर लीजिए, लाइक कर लीजिए और कमेंट भी कीजिएगा। आप जो हमारे वीडियोस की चर्चा में भाग लेने का बहुत बहुत धन्यवाद।